इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है, तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस वक्त कराची में मेरी पोस्टिंग थी, फिर मैं पार्टनरशिप ज़्यादा रहा, तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, तो उस पर मुझे बुरा लगता था कि कम अज़ कम मेरी इजाज़त ले ले, चाहे मुर्शिद हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, उनके वो पीर है वो मुरीद है, लेकिन आखिर खावन का भी शरीयत में कोई एक चीज़ रखी है ना, इम्पोर्टेंस तो है। तो मेरी इजाज़त के बगैर ये आके घंटों बैठे रहते थे। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने पूछा भी पिंकी को भी डांटा कि क्या तरीका है, कम अज़ कम मुझे बता तो दिया करो उसने आना है या कुछ देर के लिए या एक घंटा दो घंटे जो भी है, मेरी कम अज़ कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात ज़्यादा तलखलामी भी हुई, अगर कोई गैरतमंद आदमी होता वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो, उसने घर से भी निकाला। इमरान खान साहब ये लगातार इसका आना। अच्छा यहाँ पर ना दो तीन चीजें मिक्स कर रहे हैं, अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता भी है, वो कह रहा है कि मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं है कि आप मेरे घर पे आते हैं, इस बात पे भी कोई इतराज नहीं है कि मेरे घर में घंटों बैठते हैं आगे, इस बात पे भी कोई इतराज नहीं है कि मुझे आप जो भी कर रहे हैं करें, मुझे बता दिया करें, ताकि जो मेरे वाला मामला है ना, मुझे बताने वाला कि इमरान खान साहब मेरे घर पे आए हैं और जौजा के साथ बैठे हुए हैं और तन्हाई में बैठे हुए हैं और वहां पे क्या हरकतें फरमा रहे हैं, कोई इतराज नहीं है, मैनू दस दे आ करो कि जब आपने तशरीफ लाना हो ना मुझे बता दिया करो, एक ही टेंशन है कि मुझे बता दिया करो, क्योंकि मेरी कराची ड्यूटी है, इमरान खान साहब आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि मुर्शद इमरान खान साहब था या मुशरफ पिंकी पीर नहीं थी, यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि जो मेरे बताए बगैर किया करते थे और जब मैं कॉलें करता था वो जनाबे वाली प्रॉब्लम ये है कि जब बुढ़ी किसे हो ना बिजी हो जावे ना, तो फिर उस बाद वो बंदे दे फोन नहीं सुनती, और फिर आपने उस बंदे दे ही फोन सुन दी है, जिसके फोन सुनती है ना बंदा उनको फिर जहर लगता है, उस औरत को जिसका चक्कर किसी और मर्द के साथ चल रहा हो उसको अपना बंदा जो है वो फिर जहर ही लगता है, तो आप जाहिर है जहर लगते होंगे, लेकिन ये कह देना कि आपको पता नहीं था क्या हो क्या रहा है और क्या हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि आप जानबूझकर बाहर निकल जाते हो कि इमरान खान साहब के आने का टाइम हो गया तो इनको तनहाई में टाइम मिल जाए, और ये जो अभी जितने आप एतराजात अभी उठा रहे हैं उस वक्त आपने इस किस्म का कोई एतराज नहीं उठाया था, बल्कि उस एतराज में आपने अगले 40 दिन के बाद एक 18-20 साल की बच्ची से शादी कर ली थी। तो चलो आपका ये मौकफ आप दे रहे हैं, आप इस वक्त बरील जुम्मा हो रहे हैं हो जाए, लेकिन ऐसा हरगज नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। आगे सुने जनाब, जाहिर है देखिए जी इमरान खान को मेरे नौकर ने घर से भी निकाला, शायद इस तो इस बंदे को समझ नहीं आई, उससे पिंकी थोड़ा नाराज भी मेरे से हो गई थी। मैं यही कहता था कि आए जरूर आए, मैं हूँ घर में मौजूद, मुझे पता, और जुल्फी जब चाहे इनका दिल चले आके बैठ जाते थे, दो दो घंटे बैठे रहते थे, और जब मैं अपनी मिसेज से पूछता था पिंकी से भी क्या मामला मुझे क्यों नहीं बताया, वो यही कहती थी जी कि रूहानी तरबियत का मामला है, रूहानी तरबियत हो रही है। अब ये तो चीज़ मुझे गवारा नहीं थी, मगर आखिर में खावन था, मुझे पता तो होना चाहिए था। मगर अच्छा देख ले उसका इतराज एक ही बात पे, आप जो मर्जी करें, रूहानी तरबियत करें, जिस्मानी तरबियत करें, जिस्मानी तरबियत करें, व्हाटएवर जड़ी मर्जी तरबियत करो, मैं हस्बैंड हूं, मेरे नॉलेज में ला के करना चाहिए, मेरी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहिए। शुक्र है यहाँ पे ये खावर मानिका साहब ने ये नहीं फरमा दिया कि मैं भी उसी जगह पे होंगे जहां पर आप तरबियत फरमा रही होंगी, वो जो भी तरबियत हो बस मुझे सामने बिठा ले और मेरे सामने बैठ कर तरबियत करें और तरबियत करवाए। क्या बात है, क्या कमाल का हस्बैंड है पिंकी पीरनी का। मेरे ख्याल जिसका हस्बैंड ऐसा था ना उसने जो किया वो ठीक ही किया। मानिक साहब आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा आते थे, जो मुतअद्दिद इंटरव्यूज जो हमने देखे हैं इस वाक़े के हवाले से और चौधरी साहब और दीगर शख्सियात हों उनके मुताबिक, तो जब वो दो दफ़ा लाहौर में आए उसके बाद आपकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो किराए पर शिफ्ट हो गई थी बनीगाला में, और बनीगाला में स्ट्रीट नंबर 2 भी उन्होंने बताया कि आप गालिबन इस वक्त हमें स्ट्रीट नंबर 2 से ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं भैया वही घर है या नहीं, उन्होंने वो किराए पर शिफ्ट हो गई थी बनीगाला में। ये बिल्कुल गलत बात है, आपको जिसने बताया गलत बताया है, ये किराए पे नहीं है, ये 2000 में ये घर मैंने ख़ुद तामीर किया था, ये छोटा सा एक फार्म हाउस है जो मैंने तामीर किया था कि जब हम छुट्टियों में आते हैं तो उसमें ठहरने के लिए। तो ओन चौधरी साहब कहते हैं कि इस घर में आपकी अहलिया शिफ्ट हो गई थी, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ही लाहौर आते थे या आप लोगों के पास आते, वो इस घर में शिफ्ट हो गई थी, क्या ओन चौधरी साहब की बात ठीक है, अगर उनका ये बात गलत है कि किराए पे आपने लिया था? जी जी जी
आपने नहीं, वो गलत बात है, किराए पे नहीं था, हमारा अपना घर था, वो कुछ अरसा यहाँ पे अकेली रही है। और मुझे इस बात पे भी एतराज था कि अगर यहाँ पे रह रही है और मेरे से पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर, वो कई दफ़ा उसको मिलने बनीगाला चली गई और घंटों वहाँ गुजारती थी। और मैं जब वापसी में मैं जब पूछता था भाई ये क्या मामला, आप इस तरह क्यों करती हैं, मुझे बता के जाएं, आपने जाने की ज़रूरत है, उसको यहाँ बुलाएं अगर मिलना ही है तो, क्योंकि घर पे मेड्स थी, मुलाजिम थे, अपने लोग थे। तो आगे से जवाब यही होता था कि जी वो एक रूहानी एक तरबियत का मामला है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती मेरे लिए बहुत स्ट्रेस बन गया था ये। अच्छा जी, ये बात वो कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के पीछे देखें, जो ओन चोरी ने किराए का घर कह दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं जी किराए का घर नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक जो है वो फर्क डाला जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो गलत बयानी है कि वो किराए का घर है, किराए का घर नहीं है, हमारा अपना घर है और वो यहाँ पर अकेली आकर रही है। और मुझे इस बात पर इतराज था कि वो अकेली वहां पर क्यों रह रही है, वो अकेली वहां पर इसलिए रह रही थी कि समझ आ गई थानू, वो खान साहब की तेल से मालिश नहीं, सॉरी तेल से मालिश खान साहब की नहीं, नहीं नहीं, वो रूहानी चक्कर था कि वो रूहानियत के जरिए इमरान खान साहब का इलाज कर रही थी और उनकी जो वो हाथ की लकीरें थी ना उनमें वज़ीर आज़म की लकीर नहीं थी, तो वो तेल लगा नहीं दम दरूद पढ़कर जो है ना वो उनके हाथ की लकीर जो है ना वो ठीक कर रही थी, उसके लिए उनको तन्हाई चाहिए थी, तो इसके लिए वहां पर वो अकेली शिफ्ट हुई थी। आज ओन चोरी की बात पर मोहर लगा दी। और फिर बात आपकी तलाक तक कैसे पहुंची? तलाक का मामला कुछ इस तरह से हुआ कि तलाक भी जब इनकी हुई है उससे कुछ आज छः महीने पहले तक तो कोई ऐसा मामला था ही नहीं। जब इस्लामाबाद से वापस गई हैं उस वक्त इनका मामला, इसका कोई तबीयत बदली हुई थी। अब मेरे साथ इसने 28 साल गुजारे हैं एज़ माई वाइफ। अब 28 साल जिसके साथ आदमी गुजारे उसकी आदत अतवार उसको पता होता है, उसमें तब्दीली अच्छी खासी आ गई हुई थी। आने के बाद उसने इंसिस्ट किया कि मैं यहाँ अपने लाहौर वाले घर में नहीं रहना चाहूँगी, मैं अपने वालदा और भाई के घर में जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग हो रही थी कि ये जिसकी ये तबीयत बदली हुई थी, इसका जो एक तबीयत वैसी नहीं थी जिस तरह पहले हुआ करती थी, तो ये सामान उठा के अपने घर चली गई। तो मैं और बच्चे भी पहले थोड़े से उन्होंने थोड़ा सा ज़िद की, लेकिन बाद में उनको भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, नानी के घर ही बैठी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ से फिर अचानक हमें ये खबर मौसूल हुई थी, बल्कि मुझे फ़ोन किया था किसी एंकर ने और उन्होंने बताया कि ये रात इस तरह हुआ है, आपको इसका पता है? मैं कहा जी हमें तो कोई पता नहीं है इस बात का। तो ये इनका जब निकाह हुआ मैं खले पहली नवंबर को हुआ है, मगर वो घर चली गई उसके बाद आपकी डिवोर्स के बाद निकाह हुआ है ना, फिर डिवोर्स कैसे हुई? वो तो घर चली गई थी ना, और जाहिर एक खातून अगर अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, उन्हें पूरी तरीके से हक है कि वो अलहदा हो जाए, घर चली जाए, ये डिवोर्स कैसे हुई? ये बड़ा अहम सवाल। डिवोर्स इस तरह हुई ना कि जब भी अपने घर चली गई तो मेरी वालदा मुझे कहती थी वो आ क्यों नहीं रही। अब वो रही कि मेरा ख्याल था कि कुछ अरसा रहने के लिए, जिस तरह स्ट्रेस में होती है या मेरी उससे झगड़े वगैरह होते थे कि आ जाएगी वापस। मेरी वालदा ने, मेरी हमशीरा ने मुझे कहा कि हम जाते हैं उसको ले आते। मैं कहा नहीं आ जाएगी मम्मी, खुद आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि उससे 4-5 महीने पहले, उस 4-5 महीने से ज़्यादा वहाँ रही है, मैं एक आध दफ़ा तो पाकपुर शरीफ से वापसी पर उनके घर रुका भी हूँ, मिला भी हूँ वहाँ पर आके। तो मैंने कहा अब चलना नहीं है? कहते मियाँ साहब अभी नहीं। मैं खैर चुप कर जाता था, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक हुई कि उसके बाद फरा गोगी का मैसेज आया कि जी आप उनको डाइवोर्स दे दें। मैंने कहा डाइवोर्स का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, वो अपने घर बैठी है, बच्चे आराम से अपने घर बैठे हैं, तो इसको डाइवोर्स की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं एक दिन इसके घर गया, मैंने पूछा कि ये फरा गोगी मुझे कह रही है डाइवोर्स दें, आप क्या कहना चाह रही हो? ये खामोश हो के इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना यूं घुटनों में सर नीचे कर लिया। मैं कहा पिंकी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या हो रही है, क्या हो कह रहा है मसला, तुम क्या चाह रही हो? अपने घर पर आराम से बैठी हो, वालदा के घर है, तो क्या चाहती हो? इसने मेरी कोई बात का जवाब ना दिया। मैं गुस्से में वापस आ गया घर, और कोई इसको मेरे ख्याल है कुछ गुजरे, कुछ अरसा ही हुआ है, कोई मेरे ख्याल है कम अज़ महीना हुआ होगा या कम हुए होंगे, मुझे फिर फरा का फ़ोन आया कि जी वो नहीं आएंगे, आप उनको डाइवोर्स दें। और यकीन करें कि पिछले 6-7 माह में मेरा भी दिल भर गया था
कि इस कदर हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई, जो मैं कहता था इसने हर उल्टी बात करनी है, मेरा कहना मानने से बिल्कुल इनकार कर गई थी। उस सब मैंने तहरीर में उसे वहाँ से जो तलाक की तहरीर थी वो मैंने लिख के और फरा के हाथ ही उसको वापस भिजवा दी, मैं जाओ दिया उसको घर में। और फिर तलाक देने के बाद फिर मैंने बच्चों को बताया सब मगर अच्छा यहाँ पर ये देखें जी कि कितने सादे हैं और हमें या फिर सादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 महीने से इनकी जो जौजा मोहतरमा है एक दूसरे गैर महरम के साथ मुख्तलिफ जगहों पे रंग रलियां मना रही थी। एक तो वो जो बनी वाला घर घर जो कह रहे हैं कि जी हमने खुद बनाया था, और एक वो वालदा के घर पे रह रही थी। जब वालदा के घर पे रह रही थी तो ये इनको सुकून था कि कोई गल नहीं आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा होता है माँ के घर गई और 6-7 महीने से इनके साथ बात नहीं करी, इनके साथ रह नहीं रही। जब ये जाते हैं तो इनसे बात नहीं करती, जब ये पूछते हैं कि ऐसा फर पिंकी तुम क्यों कर रही हो तो वो कुछ जवाब नहीं देती, घुटनों में सर दे देती हैं। और इनको इसी बात पर लगा हुआ था या इनको इसी बात की थी कि कोई गल नहीं घर बैठी कर रही है। देखें इतने सादे तो नहीं होते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जेडी कुड़ी भैड़ी हो ना या जो कुड़ी जो है वो उसका कोई किसी के साथ चक्कर हो ना, पूरे गाँव को पता होता है, सिर्फ उसके हस्बैंड को, उसके उसके बाप को, अगर वो व्याही वरी है तो बंदे तो प्यो नहीं पता होंगे, और अगर कुआरी है तो भरा प्यो नहीं पता होंगे, बाकी सारे पिंड पता होंगे। और शायद यहाँ पर भी यही चक्कर था कि पूरे पाकिस्तान को पता था कि बुशरा बीबी का क्या चल रही है, वो जो एक बलोच वो कंदील बलोच जो कत्ल हो गई थी उसने तो बहुत पहले बता दिया था, जब किसी के वहमो ख्याल में भी नहीं था, जब किसी को पता भी नहीं था कि ये, उसने तब बता दिया था कि पिंकी पीर ने इमरान खान का चक्कर चल रहा है और यहाँ पे ये भोले भोले भाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ एंड में ये क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे गेम क्या है, चक्कर क्या है, ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये आपको प्रोग्राम के एंड में बताते हैं, पहले जरा सुने ये बाकी सारी चीजें जो इस तरह से हुआ था। मगर ये मजबूरन मुझे करना, ये तलाक हुई कब थी, क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी उससे पैदा हुई जिसका केस आज भी अदालत में चल रहा है और आज भी इस हवाले से अदालत में मामलात हुए हैं। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? हाँ जरा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर जाहिर है कंट्रोवर्सी पैदा हुई। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मुझे दो दफ़ा मैंने निकाह पढ़ाया, एक दफ़ा पहले पढ़ा दिया। ओन चौधरी साहब कहते हैं ये इसलिए करना पड़ा और छुपाना पड़ा कि बीबी ने कहा था कि 1 जनवरी को करनी है क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है और वो इद्दत के दौरान हो गई थी, इसलिए इसको छुपाया, इसीलिए इस खबर को डिनाई किया गया और ये सारा का सारा काम किया गया। जो आपको 1 जनवरी को पता था जब ये शादी हो रही थी कि ये इद्दत के दौरान शादी हो रही है, या आपके इल्म में नहीं था? नहीं, हमारे तो इल्म ही नहीं था, क्योंकि देखे ना मैंने 14 नवंबर की जो तारीख में मैंने तारीख ये डाइवोर्स भिजवा दी मैंने। अब मुझे मेरे तो ख्वाबो ख्याल में ना बच्चों को ना हमें तो कोई पता ही नहीं था, ये तो अचानक। लेकिन ये ओन चौधरी सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि इद्दत तो तब ही तो कम्प्लीट होती ना, कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे उत्तर वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह जो मैंने सुना है खबरों में हमने सुना, और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सुना पहली को ले तो उनका तो मुफ्ती साहब ने तो अपने बयान में बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने बताया कि अगर इद्दत की मुद्दत तकमील पूरी ना हुई हो तो वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुनाफी और इज्तदाद है। मगर देखे इसमें हुआ ये है कि जब निकाह हो रहा था, एक तो मुफ्ती सईद साहब निकाह ख्वाह हैं, उन्होंने खुद ने निकाह पढ़ाया था, फिर दोबारा वो कहते हैं कि मुझे निकाह पढ़ाना पड़ा इमरान खान साहब का, क्योंकि इद्दत 14 फरवरी को पूरी हुई थी, इसलिए 18 फरवरी 2018 को फिर मुझे पढ़ाना पड़ा और फिर ये मुझे बताया गया कि इद्दत नहीं पूरी हुई है। मगर वो कहते हैं कि जब निकाह के लिए हम पहुंचे और फरा गोगी साहिबा के घर पर पहुंचे और उस वक्त ये सवाल किया कि इद्दत का, तो उन्होंने कहा इद्दत पूरी हो गई है और हमारा शरई निकाह हुआ था, इसलिए उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद नहीं है। तो ये बात अगर आप कह रहे हैं कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी और 14 को हुआ, तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये 14 नवंबर 2017 को डिवोर्स हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2018 को जो शादी हुई वो इद्दत के दौरान हुई थी? देखिए खानजादा साहब, जाहिर है कि जब 14 नवंबर का मैंने इनको तहरीर इनको मैंने फरा के हाथ को इसके तलाक इनके घर भिजवा दी, इनको पहुंच गई। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि 14 फरवरी की जो तलाक थी वो फरा ने घर पहुंचा दी, सब कुछ हो गया तकरीबन 1 माह के दौरान, अभी महीना या 20 दिन या 25 दिन के बाद फरा गोगी का हमारे घर में इजाज़त बंद हो गई थी आने की। कुछ अरसे बाद ये 20-25 दिन बाद इसने मुझे टेलीफोन किया फरा ने, और शी हैड द करेज टू कॉल मी। मुझे कहती है कि जी वो जो आपकी तलाक है उस पर तारीख बदलनी है। मैं हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया।
मैं हैरान इस बात पे हुआ कि कभी तलाक की तारीखें भी बदली जाती हैं, ये तो एक शरई अमल है। और मुझे गुस्सा भी आया और मैंने इसका फ़ोन बंद कर दिया। अब यकीनन वो जो तारीख बदलने की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है वो इसी को कवरेज देना चाह रही होंगी जो पहली के निकाह को। लेकिन मेरी तरफ से 14 फरवरी को, और ये मुफ्ती साहब सही फरमाते हैं कि जो इन्होंने दूसरा निकाह, जो कि मुझे नहीं पता वो दूसरा था या तीसरा या पहला, 14 फरवरी के बाद जो भी निकाह हुआ जी। मगर इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला ये है कि आप जो पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं उसमें आप ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी से आपका बाकायदा अलहदगी भी हुई थी, आप दोनों के मामला भी ठीक नहीं थे, वो आपकी बात नहीं सुन रही थी, और फिर उसके बाद आपने उन्हें तलाक भिजवा दी क्योंकि फरा बीबी बीच में आ गई थी, फरा गोगी साहिबा। मगर बुशरा बीबी ने आज तक एक ही इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो अपने घर से इद्दत पूरी करके निकली थी और आपके कहने पर निकली थी। जरा सुनिए। जब मैं बड़े मुश्किल हालात में थी तो भाई तरबियत तो एक ही करनी है मुर्शी मुरीद की, वो दूसरा कहाँ से मुरीद हो गया? और अगर उसके घर जा रही हैं, कोई ऑन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बनी गाला जा रही, मेरी इजाज़त के बगैर, और रात को लेट वापस आ रही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इमरान खान थोड़ी, ये न्याजी थोड़ी होता था, वहाँ पे जुल्फी मौजूद होता था। मकसद है कि ये किस किस्म का पीरखाना था? दिन के वक्त ना फ़ोन पे बात करनी है, ना इनकी तरबियत होनी है, ये सारा कुछ रातों रात ही होता था। मुझे एतराज़ात इस बात पे थे कि खामंद हूं। उस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा रबते किए गए, अगर आप उस वक्त, मगर मानिका साहब सवाल ये पैदा होता है, अगर आप उस वक्त नहीं बोले तो किसी के डर की वजह से नहीं बोले, या आज बोल रहे हैं तो किसी के डर की वजह से बोल रहे हैं? मैं आपको बड़ी वाज़ह बात बता दूँ, जब इनका निकाह हुआ उसके फौरन बाद मुझे जुल्फी के और ये फरा गोगी के बारहा मुझे फ़ोन आए और उन्होंने मुझे साफ कैटेगोरी के लिए बात कही कि मियाँ साहब, अब ये जो मुरीद हमारा है और ये हमारा मुरीद है और इसने आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है, और आप बेहतर है कि आप खामोश रहें। मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया कि ये थ्रेट है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे वक्त गुजर जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने और लोगों से मुझे फ़ोन कराए और इस तरह के फ़ोन कराए, तो उससे मुझे महसूस हुआ कि ये तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा के रख देंगे। मैं उस पर खामोश हो गया, मैं ये क्या करूँगा मैं? लेकिन खान साहब, अब मैं टूट गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मेरे दिल में जो है, मैं जो मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर, मेरा दिल अब ये इजाज़त नहीं देता कि ये मैं बोझ के साथ बैठा रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सब के साथ कौम के सामने, आपके सामने रख दूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। अच्छा, मगर ये मुझे बताइए, ये हो रहा तो अच्छा जी, ये दो चीज़ें हैं, एक पर्सन से एक पर्सन का बना लें आप, कोई हिस्सा कर लें, कोई एक पर्सन का मेरे ख्याल में ना ही करें तो बेहतर है। कि ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे ज़मीर पर बोझ है और मैं उस ज़मीर को जो है वो ख़त्म करने के लिए, बोझ को हटाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कौम को सारा कुछ सच बता दूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बोझ है ज़मीर पर। मैं अभी मेरी मोहसिन बेग साहब से बात हो रही थी, उन्होंने वो जो बात कही है वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उनसे मैंने कहा है कि किसी टाइम इस पर बात करें, जो 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 आपने अभी कहा वो तो सारा कुछ उसमें मोहरें लग गई हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जमीर शमीर वाली बात है ना, कोई बात नहीं है, ये चमड़े की बात है, चमड़ा भीग गया था, अब भी चमड़ा जो है वो तो ना तो होके फिर साफ सुफ करके फिर बेच देंगे। मैं जमीर शमीर का कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का भी, मुझे तो ये लगता है कि ये सारी की सारी गेम है। अभी सिर्फ देखें, वो जो दौलत इस पूरे जमाने में लूटी गई वो कहाँ है? क्या वो दौलत जो कहा जाता था कि खावर मानी का फैमिली पूरी की पूरी जो तबादले कराती थी, बुशरा बीबी जो है वो उनके हाथों पंजाब पूरा जो यरगमाल बना हुआ था, उस्मान बाजार पंजाब का नहीं था, या वो किसी और को जवाब देनी था, इमरान खान को या किसी ब्यूरोक्रेसी को जवाब देनी था, वो सिर्फ बुशरा बीबी और खावर मानी